नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए व्लॉग वीडियो में। तो गाइस बेसिकली अभी मैं आया हूँ शौर्य स्मारक देखने, जो कि भोपाल में है, और आपको भी दिखाते हैं कि क्या है ये। इधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस दोस्तों मित्रों, अभी मैं पहुँच गया हूँ शौर्य स्मारक के गेट पे, और अब लेते हैं अपन एक टिकट, बनता है यानी कि टिकट मिलता है, उसी के द्वारा अपन अंदर जाते हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसे टिकट मिलता है, कैसा गेट है। यही है गेट दोस्तों, यहीं से जाते हैं अंदर। पहले उस साइड से था लेकिन अब यहाँ से कर दिया गया, पता नहीं क्यों। ये रहा दोस्तों गेट, चलते हैं अंदर। यहाँ पे कुछ मेंशन भी है, बाकी ये लिखा है शौर्य स्मारक। यहाँ पे दोस्तों फिलहाल इंटर होगा, यहाँ पे चेकिंग। अब टिकट यहाँ पे मिलता है टिकट, सो टिकट लेते हैं। लेने के बाद कुछ ऐसा सीन आता है, यहाँ का ये गेट है इसका, और यहाँ से आप देखिए। अब चलते हैं, इसको पूरा घूमते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पे गेट है, और काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है, और इसका जो काम है वो चलता ही रहता है। सो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और बिल्कुल अच्छा लगता है इसमें आने के बाद। और यहाँ पे एक मेंशन और कर देते हैं आपको। ये देखिए हर जगह, मतलब जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे, ताकि जो इसकी सुरक्षा है वो भी बनी रहे। फिलहाल तो यहाँ पर देखते हैं, ये भारत माता की मूर्ति है। ऐसा कुछ है दोस्तों, ये भारत माता की मूर्ति लगी है, जिसके ऊपर जो कि 24 तीलियों वाला अशोक वो भी लिखा है। यहाँ पे लिखा है इसका लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2016 में करवाया गया था। आप पॉज करके पढ़ भी सकते इस साइट। गाइस भारत माता की मूर्ति के बिल्कुल आसपास यहाँ पे एक स्क्रीन लगी है, जहाँ पे कभी भी जो विशेष कार्यक्रम यानी कि विशेष दिन होते हैं, यहाँ पे चलता है इसका लाइव प्रसारण। यानी कि फिलहाल तो अभी कोई कम ही लोग आते हैं यहाँ पे घूमने। पे देखिए दोस्तों, ये ग्राउंड है, इसे में लगा है बड़ा एलईडी टीवी, इसी पे चलता है लाइव। जब किसी मतलब कोई विशेष वो रहता है ना, त्यौहार वगैरह या फिर कोई फेस्टिवल रहता है, तो उस समय चलता है। और यहाँ पे एक बना है ग्राउंड सा, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे सभी लोग बैठ जाते हैं, और यहाँ पे सभी लोग बैठ जाते हैं, और ये दिख रहा है आपको, इसी पे चलता है लाइव टीवी। सो काफ़ी अच्छा लगता है, आपको एक बार दिखा दें पूरा। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे फ़िलहाल में। जय हिंद। इसी के सामने दोस्तों, इसी के सामने ये बना है एक बाघ सा, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। इसके अंदर यानी कि एक नीचे भी जाता है, उसमें जाने के लिए एक्स्ट्रा टिकट लगता है। यहाँ से जाते और यहाँ से जाते हैं, वो देखते हैं अभी बाद में, पहले तो इसी को घूम लिया जाए। यही देखिए दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई शंकर सा दोस्तों, मतलब जो मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी थे, यहाँ पे उनका चित्रांकन किया गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, युद्ध का रंगमंच ऐसा होता है दोस्तों, इसको दिखाने का कोशिश किया गया, युद्ध का रंगमंच। और यहाँ पे गार्ड हमेशा ही तैनात रहते हैं। से बात करते हैं, आप यहाँ पे नौकरी करते हैं, मतलब काम करते हैं, सर्विस करते हैं, कितने मतलब 24 घंटे यहाँ पे। हाँ ठीक।
देखा आपने? आगे हाँ हाँ आगे भी है, आगे भी देखते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये क्या है? ये युद्ध का जो संगम रहता ना है कि, चलते हैं आगे। फिलहाल में तो आगे वाला देखते हैं, इनमें तो बाद में जाएंगे क्योंकि ये अभी इसके लिए है नहीं। यहाँ पे है दोस्तों सौर्य स्तंभ और इसमें तोप भी रखी। ये देखिए दोस्तों, ये है तोप। देखिए दोस्तों पास से, यहाँ से चलती है, पता नहीं ये काफ़ी बड़ी है। ये दोस्तों इनको ज़मीन में लगा देते हैं ताकि जो गोला जाएगा यानी कि जो बारूद या फिर जो भी रहेगा, पता नहीं कैसे चलती होगी। हैंडल वगैरह काफ़ी कुछ लगा है। बैठने के लिए बढ़िया से चेयर एकदम आरामदायक है। ये देखिए यहाँ पे वाटरफॉल चलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप आएँ तो ज़रूर आइए। ये क्या है? मृत्यु पर विजय, ये लिखा हुआ है दोस्तों, मृत्यु पर विजय। और यहाँ से एग्जिट हो जाता है। अब चलते हैं मेन जो कि स्मारक है उसकी ओर। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहीं पे लगा है सौर्य स्मारक। कहने का मतलब ये है कि जो एमपी के क्रांतिकारी थे, वीर क्रांतिकारी, उनकी स्मृति यानी कि उनकी याद में बनाया गया है। और एक यहाँ पे होलोग्रामिक जो फायर यानी आग, वो 24 घंटे जलती रहती है। और कुछ स्टेचू बना दिया गया, मेंटेनेंस काफ़ी फूल लगाए गए। और वहाँ पे शूज, और आगे भी देखते हैं क्या क्या लगा है। अगर गाइस अभी आप आना चाहते हैं ज़रूर आइए और घूमिए, खूब एंजॉय कीजिए। काफ़ी अच्छा स्मारक पार्क है और इसके पास में डीवी मॉल है, उसे भी घूमिए। फिलहाल तो चलते हैं सौर्य स्मारक के पास और देखते हैं होलोग्राम, जो होलोग्राम एक फायर है वो जल रही है, उसको भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना दिया गया है, शूज़ वगैरह। और ये है मेन स्मारक, मुख्य स्मारक। यहाँ पे इसका पूरा मैप दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पॉज करके पढ़ लीजिए। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत 24 घंटे फायर जलती रहती है। और ये है स्मारक, ये इसके चारों तरफ पानी पानी भरा है और ये कांच लगा दिया ताकि कोई भी अंदर ना जा पाए। और ये जल रहा है और ये है स्मारक। और इसी के पास में ये कुछ जो कि वीर जवान होंगे उनके नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए गए विद प्लेट के साथ। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। अगर आप आना चाहें तो आइए ज़रूर, एंजॉय कीजिए और इसको देखिए, मतलब समझिए कि जो हमारे महान क्रांतिकारी, उन्होंने किस प्रकार से बलिदान दिया, किस प्रकार से अपना सहयोग दिया। यहाँ पे गन और उनके ऊपर जो कैप रहता है वो लगा दिया, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। सफाई का काम चल रहा है यहाँ पर, मतलब मेंटेन की जाती है सफाई, ये अच्छी बात है यहाँ की। अगर आप यहाँ पे नीचे जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब सारा कुछ यहीं पे मेंशन किया गया है। ग्लेशियर जो कि यानी कि जो राजस्थान है, वो भी सब कुछ यहाँ के अच्छा लगता है। तो प्लीज़ जब भी आइए आप घूमिए, एंजॉय कीजिए और देखिए। फिलहाल इतना ही कुछ था इस पार्क में, आपको दिखा दिया। कैसा लगा कमेंट करके बता दें। तो दोस्तों फिलहाल तो मैंने इसको देख लिया है और आपको भी दिखा दिया है आपको ये कैसा लगा। और यहाँ पे बाहर पोस्टर भी लगे हैं, आप आएँगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ज़रूर आइए और एक काफ़ी अच्छा समय बताइए ताकि आपको कुछ यानी कि नॉलेज मिल पाए इसके बारे में, सॉरी स्मारक के बारे में। सो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना। धन्यवाद।